हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 12। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 11 चैप्टर्स हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। लास्ट वीडियो में हमने मार्केटिंग चैनल लेवल्स को डिस्कस किया था कि कितने लेवल्स होते हैं मार्केटिंग चैनल्स के। आज हम डिस्कस करेंगे चैनल डिज़ाइन डिसीजंस। जब एक मैन्युफैक्चरर अपने लिए मार्केटिंग चैनल्स को डिज़ाइन करता है तो क्या क्या डिसीजंस उसे लेने पड़ते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी मार्केटर किसी भी एक मार्केटिंग चैनल का यूज़ नहीं करता अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। एक मार्केटर बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करता है, तो उन मार्केटिंग चैनल्स का जब वो सिलेक्शन करता है तो क्या क्या डिसीजंस उसे लेने पड़ते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टू डिज़ाइन अ मार्केटिंग चैनल सिस्टम, मार्केटर्स एनालाइज कस्टमर नीड्स एंड वॉन्ट्स, इस्टैब्लिश द चैनल objectives and constraint, and identify and evaluate major channel alternatives। ये कह रहा है जब भी कोई manufacturer अपने product and services के लिए marketing channel system को design करता है, marketing channel system का मतलब है कि वो अपने marketing channels का एक set बनाता है कि उसके product and services को target customer तक sale करने के लिए वो किन marketing channels का use करेगा, क्योंकि वो एक marketing channel का use नहीं कर रहा, वो एक सेट का यूज़ कर रहा है, बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ कर रहा है। उस सेट को हम बोलते हैं मार्केटिंग चैनल सिस्टम, कि भी एक मैन्युफैक्चरर का मार्केटिंग चैनल सिस्टम क्या है, किन किन मार्केटिंग चैनल्स का वो यूज़ कर रहा है। तो उस मार्केटिंग चैनल सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या डिसीजंस लेने हैं मार्केटर को, सबसे पहले उसे एनालाइज करना है उसके कस्टमर्स की नीड क्या है, वॉन्ट्स क्या है, उसी के बेसिस पे तो वो अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स में से अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग चैनल्स को सेलेक्ट करेगा। इस्टैब्लिश द चैनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्ट्रेंट, उसके बाद देखेगा कि भी अलग जो मार्केटिंग चैनल्स हैं वो उसके किन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएंगे, उन चैनल्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उनके बेसिस पे ही वो फिर सेलेक्ट करेगा। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए कौन से मार्केटिंग चैनल्स अवेलेबल हैं, कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो उसके गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक सेल कर देंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर जो मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स उसके पास हैं, जो मेजर चैनल ऑप्शंस हैं, उनको वो क्या करेगा, इवेल्यूएट करेगा कि उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। इवेल्यूएट करने के बाद फाइनली वो कुछ मार्केटिंग चैनल्स को सेलेक्ट करेगा और ऐसे करके वो अपना मार्केटिंग चैनल सिस्टम डिज़ाइन कर लेगा। तो ये डिसीजन एक मार्केटर को लेने हैं जब वो अपने लिए मार्केटिंग चैनल सिस्टम को डिज़ाइन करता है। तो फर्स्ट डिसीजन क्या है, एनालाइजिंग द कस्टमर नीड्स एंड वॉन्ट्स। सबसे पहले तो उसे देखना है उसके कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वॉन्ट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे वो मार्केटिंग चैनल्स को सेलेक्ट करेगा। कंज्यूमर्स में चूज द चैनल्स दे प्रेफर बेस्ड ऑन प्राइस, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट एंड द कन्वीनियंस एज वेल एज देयर ऑन शॉपिंग गोल्स, इकोनॉमिक, सोशल और एक्सपीरियंशियल। ये कह रहा है जब हम कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर चैनल्स को चूज करते हैं अलग अलग चीज़ों के बेस पे, वो प्राइस के बेस पे अलग अलग चैनल्स को चॉइस करते हैं, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के बेसिस पे, क्योंकि अलग अलग चैनल्स के पास आपको अलग अलग प्रोडक्ट की वेराइटीज मिलती हैं। जब हम अलग अलग चैनल्स के थ्रू परचेज करते हैं तो प्राइस भी हमें अलग अलग मिलता है। आप किसी चीज़ को ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं या सीधा मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं तो उसका प्राइस आपको कम मिलेगा, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएटरी ने अपनी कॉस्ट ऐड नहीं करी। लेकिन अगर उसी प्रोडक्ट को आप
इनडायरेक्टली परचेज कर रहे हैं तो उसका प्राइस आपको हाई मिलेगा क्योंकि इंटरमीडिएटरी ने अपनी कॉस्ट उसमें ऐड कर दी। तो कंज्यूमर्स अलग अलग चैनल्स को चूज करते हैं बेस्ड ऑन किस किस चीज़ के बेस पे, प्राइस के बेस पे, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के बेस पे। क्योंकि अगर आप किसी एक शॉप से परचेज करेंगे वहाँ आपको प्रोडक्ट वैरायटी मिलेगी, लेकिन अगर आप एक ही प्रोडक्ट एक ही कंपनी की वेबसाइट पर जाके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे वहाँ आपको सिर्फ उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो आपको प्रोडक्ट की वैरायटी नहीं मिलेगी। कन्वीनियंस के बेसिस पे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहाँ आप इजीली परचेज कर सकते हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहाँ आपको परचेज करते वक्त डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है। तो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो अलग अलग चैनल्स को चूज़ करते हैं बेस्ड ऑन प्राइस, प्रोडक्ट वैरायटी एंड कन्वीनियंस, और एज वेल एज उनके शॉपिंग गोल्स क्या हैं, उनका पहले का एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस चैनल के साथ, उनके सोशल गोल्स क्या हैं, इकोनॉमिक गोल्स क्या हैं, इकोनॉमिक वो एडवांटेज लेना चाहते हैं या नहीं। तो अलग अलग गोल्स के बेसिस पे वो अलग अलग चैनल्स को चूज करते हैं। चैनल सेगमेंटेशन एग्जिस्ट एंड मार्केटर्स मस्ट बी अवेयर दैट डिफरेंट कंज्यूमर्स हैव डिफरेंट नीड्स ड्यूरिंग द परचेज प्रोसेस। अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो हमें लगता है कि भाई हम सिर्फ मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, यह कंज्यूमर सेगमेंटेशन है कि अलग अलग कंज्यूमर्स की अलग अलग नीड्स हैं। उसी कंज्यूमर की सेगमेंटेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं चैनल सेगमेंटेशन भी एग्जिस्ट करती है। आप अलग अलग सेगमेंट्स को, आपके जो चैनल्स हैं उनको भी आप अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ये चैनल हम इन कंज्यूमर्स के लिए यूज़ करेंगे, ये चैनल्स हम इन कंज्यूमर्स के लिए यूज़ करेंगे। तो चैनल सेगमेंटेशन भी आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है। आप मार्केटिंग चैनल्स की भी सेगमेंटेशन कर सकते हैं, और मार्केटर को हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि जो हमारे डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं उनकी डिफरेंट नीड्स हैं जब वो परचेज करते हैं। कोई कस्टमर ऐसा है जिसको प्राइस कम चाहिए, कोई ऐसा है जिसको प्रोडक्ट की वैरायटी चाहिए, कोई कंज्यूमर ऐसा है जिसको परचेज करते वक्त कन्वीनियंस चाहिए। तो अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग नीड्स हैं जब वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करते हैं। तो मार्केटर को ध्यान रखना है कि अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग नीड्स हैं, इसीलिए उसे अलग अलग चैनल्स को चूज़ करना है और अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स को चूज़ करके उनका एक सेट बनाना है, एक सिस्टम बनाना है, ताकि हर एक कस्टमर की नीड को वो फुलफिल कर सके। इवन द सेम कस्टमर दो में चूज़ डिफरेंट चैनल्स फॉर डिफरेंट रीजन्स। हो सकता है एक जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट ओकेजन्स के लिए, डिफरेंट रीजन्स की वजह से अलग अलग चैनल्स का यूज़ करें। मान लो एक बार कस्टमर ने जो पास वाला रिटेलर है वहाँ से परचेज कर लिया, लेकिन हो सकता है दूसरी बार उसके पास टाइम नहीं है तो वो उस रिटेलर के पास जाने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास टाइम है कि भी ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद जब दो तीन दिन बाद उसे प्रोडक्ट मिलेगा तो उसके पास टाइम है, लेकिन अगर उसे जल्दी चाहिए तो वो रिटेलर से लेगा। तो अलग अलग रीजंस होते हैं और उन रीजंस की वजह से सेम कस्टमर भी डिफरेंट चैनल्स का यूज़ करता है। इसलिए ज़रूरी है कि भी हम जो मार्केटर हैं वो एक मार्केटिंग चैनल का यूज़ ना करके बल्कि एक सेट का यूज़ करें, अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करें। एज चैप्टर 16 डिस्क्राइब्ड, सम कंज्यूमर्स आर विलिंग टू ट्रेड अप टू रिटेलर्स ऑफरिंग हायर एंड गुड्स सच एज टैग ह्यूअर वॉचेस और कॉल अवे गोल्फ क्लब्स एंड ट्रेड डाउन टू डिस्काउंट रिटेलर्स फॉर प्राइवेट लेबर पेपर टॉवल्स डिटर्जेंट और विटामिन्स। ये कह रहे हैं, इवन हमने चैप्टर 16 में देखा था कि कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो हमारे ट्रेड अप रिटेलर्स हैं जो हाई एंड गुड्स को अवेलेबल करवाते हैं, जैसे वॉचेज हैं या गोल्फ क्लब्स हैं, उनके पास जाके परचेज करना प्रेफर करते हैं, और वही ट्रेड डाउन टू डिस्काउंट रिटेलर्स, और कुछ आइटम्स के लिए वो ट्रेड डाउन वाले डिस्काउंट रिटेलर्स के पास जाते हैं, जैसे डिटर्जेंट के लिए, विटामिन्स के लिए, पेपर टॉवल्स के लिए। तो एक ही कस्टमर, जो सेम कस्टमर है, वो अलग अलग चैनल्स का यूज़ करता है अलग अलग रीजंस के लिए। क्लियर, ये हमने देख लिया। अदर्स में ब्राउज अ कैटलॉग बिफोर विजिटिंग अ स्टोर और टेस्ट ड्राइव अ कार एट अ डीलरशिप बिफोर ऑर्डरिंग ऑनलाइन। और बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टोर में जाने से पहले आपके कैटलॉग को ब्राउज करेंगे, वो ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट्स को पहले चेक करेंगे, उसके बाद जाके वो स्टोर में परचेज करेंगे। तो एक ही कस्टमर अलग अलग चैनल्स का यूज़ कर रहा है, वो पहले देख रहा है आपके कैटलॉग को, उसके बाद अगर उसको वहाँ सही प्रोडक्ट लग रहा है तो वो आपके स्टोर को विजिट कर रहा है,
या फिर कार परचेज करने से पहले या ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले वो कस्टमर आपके कार की एक टेस्ट ड्राइव ले रहा है आपके डीलर के पास जाके। तो यहाँ से आपके पास ऑनलाइन भी होना चाहिए मार्केटिंग चैनल, और आपके पास डीलर भी होना चाहिए जहाँ वो कस्टमर जाके टेस्ट ड्राइव कर सके। तो एक ही कस्टमर अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करता है अलग अलग रीजंस की वजह से। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो एक मार्केटिंग चैनल का यूज़ ना करे, अलग अलग बहुत सारे दो या तीन मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करे अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग। फिर ये मार्केटिंग इनसाइट दे रखा है, एक एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज की, जो हमारे चैनल्स हैं मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग चैनल्स प्रोड्यूस 5 सर्विस आउटपुट्स। अब अलग अलग चैनल्स हमें क्या क्या सर्विसेज देते हैं, तो 5 सर्विसेज आउटपुट्स हैं जो हमें अलग अलग मार्केटिंग चैनल से मिलता है। पहला है डिज़ायर्ड लॉट साइज, कि भी एक चैनल के थ्रू आप जो साइज परचेज कर सकते हैं लॉट का, वो अलग है दूसरे चैनल से। रिटेलर से आप कितना ही भी ले लो, ऑनलाइन हो सकता है सिर्फ आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा हो, तो अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स में अलग अलग लॉट साइजेस अवेलेबल होते हैं। तो अलग अलग चैनल्स हमें 5 सर्विस आउटपुट्स क्या क्या देते हैं। द नंबर ऑफ यूनिट्स द चैनल परमिट्स अ टिपिकल कस्टमर टू परचेज ऑन वन ओकेजन। डिजायर्ड लॉट साइज का मतलब है कि वो पर्टिकुलर जो चैनल है वो अपने एक कस्टमर को एक ओकेजन पे कितनी यूनिट्स परचेज करने की परमिशन देता है। इन बाइंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अलग अलग कस्टमर है, एक कस्टमर कैसा है, इन बाइंग कार्स फॉर इट्स फ्लीट, मतलब मान लो उसका काम ही गाड़ियों का है, हर्ड्स प्रेफर अ चैनल फ्रॉम विच इट कैन बाय अ लार्ज लॉट साइज। तो ऐसा जो कस्टमर है जिसका काम ही गाड़ियों का है, तो वो कैसे चैनल को प्रेफर करेगा जहाँ से वो लार्ज लॉट साइज को परचेज कर सकता है। अ हाउस होल्ड वॉन्ट्स अ चैनल दैट परमिट्स अ लॉट साइज ऑफ वन। और अगर कोई हाउस होल्ड है उसको क्या चाहिए, एक ही आइटम चाहिए, तो वो ऐसे चैनल को प्रेफर करेगा जो सिर्फ उसे एक आइटम प्रोवाइड करवा दे। तो अलग अलग जो चैनल्स हैं हमारे मार्केटिंग चैनल्स, वो कस्टमर को एक ओकेजन पे अलग अलग नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज करने का परमिशन देते हैं। तो उनके बेसिस पे भी कस्टमर सेलेक्ट करता है कि किस मार्केटिंग चैनल के साथ या थ्रू उसे परचेज करना है। सेकंड है वेटिंग एंड डिलीवरी टाइम। कई कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको वेट करना पसंद नहीं है, उन्हें आज ही प्रोडक्ट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, रिटेलर्स के पास शॉप पे जाएंगे, वहां से परचेज कर लेंगे। लेकिन एक कस्टमर है उसके पास अभी टाइम है, वो वेट करने के लिए रेडी है, तो वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है जहाँ से उसे 2-3 दिन में गुड्स मिल जाएंगे। तो अलग अलग कस्टमर्स की वेटिंग एंड डिलीवरी टाइम है। द एवरेज टाइम कस्टमर वेट फॉर रिसिप्ट ऑफ गुड्स, कस्टमर इंक्रीजिंगली प्रेफर फास्टर डिलीवरी चैनल्स। ये कह रहा है अलग अलग कस्टमर्स का अलग अलग वेट करने का टाइम है, एवरेज टाइम है। तो हर एक कस्टमर लेकिन आज के टाइम पर चाहता है कि उसे गुड्स की फास्टर डिलीवरी मिल जाए, तो उनके अकॉर्डिंग भी वो उस चैनल को ही चूज करते हैं जो उन्हें फास्टर डिलीवरी देता है। थर्ड हमारा है स्पेटियल कन्वीनियंस, जहां उसे इजीली वो परचेज कर सकता है, क्योंकि हर एक कस्टमर उस चैनल को चूज करता है जिसके थ्रू वो गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली परचेज कर सकते हैं। द डिग्री टू विच द मार्केटिंग चैनल मेक्स इट ईजी फॉर कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट, कि वो मार्केटिंग चैनल कितना ईजिली उस कस्टमर के लिए कर रहा है उस प्रोडक्ट को परचेज करवाना। जैसे टोयोटा ऑफर्स ग्रेटर स्पेटियल कन्वीनियंस देन लीजस बिकॉज देयर आर मोर टोयोटा डीलर्स हेल्पिंग कस्टमर सेव ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्च कॉस्ट इन बाइंग एंड रिपेयरिंग एन ऑटोमोबाइल। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भी जो कस्टमर्स हैं वो टोयोटा की ऑटोमोबाइल्स को परचेज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके जो डीलर्स हैं टोयोटा के वो हर जगह अवेलेबल हैं। ना तो कस्टमर को ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट करनी है, ना उसे सर्च कॉस्ट आनी है, क्योंकि अगर उसे कोई भी ऑटोमोबाइल परचेज करना है तो उसके नियर बाय उसे कोई ना कोई डीलर मिलेगा जहां वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को बचा सकता है, और उसे सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, जाके वो इजीली किसी भी ऑटोमोबाइल को परचेज कर सकता है। अगर हम बात करें लीजस की, तो उनके जो डीलर्स हैं वो इतनी जगह पे अवेलेबल नहीं है जिनकी वजह से कंज्यूमर्स उनके पास नहीं जाते या उनकी गाड़ियों को परचेज करना प्रेफर नहीं करते। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कौन से चैनल को चूज कर रहा है। उसके बाद है प्रोडक्ट वैरायटी। अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स अलग अलग प्रोडक्ट की वैरायटी अवेलेबल करवाते हैं। द असॉर्टमेंट प्रोवाइडेड बाय द मार्केटिंग चैनल
डिपेंड करता है, अगर एक कस्टमर को वैरायटी चाहिए तो वो उसी चैनल को चूज़ करेगा जहाँ उसे वैरायटी अवेलेबल है। अगर उसे एक पर्टिकुलर ब्रांड का एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो वो उस चैनल को चूज़ करेगा जहाँ पर्टिकुलर वही ब्रांड और वही प्रोडक्ट अवेलेबल है। नॉर्मली द कस्टमर प्रेफर अ ग्रेटर असॉर्टमेंट बिकॉज मोर चॉइसेस इंक्रीज द चांस ऑफ फाइंडिंग व्हाट दे नीड, दो टू मेनी चॉइसेस कैन समटाइम्स क्रिएट अ नेगेटिव इफेक्ट। वैसे तो बहुत सारे कस्टमर ऐसी चैनल को चूज़ करते हैं जहाँ उन्हें ग्रेट वैरायटी मिले, ताकि वो बहुत सारी आइटम्स में से उन आइटम्स को चूज़ कर सकें जो एक्चुअली उन्हें चाहिए। लेकिन कई बार जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी है। अगर हमें एक प्रोडक्ट लेना है उसके बजाय हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेते हैं, या कन्फ्यूज़न में आके हम गलत प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं, तो सेकेंड उसके बेस पर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की वैरायटी कितनी है। सर्विस बैकअप, एड ऑन सर्विसेज जैसे क्रेडिट है, डिलीवरी है, इंस्टॉलेशन है, रिपेयर्स प्रोवाइडेड बाय द चैनल। और पांचवा हम देखते हैं कि भी एड ऑन सर्विसेज हमें कितनी मिल रही हैं। अलग अलग जो चैनल्स हैं मार्केटिंग के, वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनके बेसिस पे भी कस्टमर अलग अलग चैनल्स को चूज़ करता है जब जिस हिसाब की उसे सर्विसेज चाहिए। अगर क्रेडिट की चाहिए तो वो ऐसे चैनल को चूज़ करेगा जहाँ उसे क्रेडिट अवेलेबल है। उसे फ्री डिलीवरी चाहिए तो वो ऐसे मार्केटिंग चैनल का चूज़ करेगा जहाँ उसे डिलीवरी अवेलेबल है। द मोर सर्विस बैकअप द ग्रेटर द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द चैनल। और जो चैनल सबसे ज़्यादा सर्विसेज देगा उसका ज़्यादा बेनिफिट है कस्टमर को, क्योंकि वहाँ से उसे बहुत सारी सर्विसेज मिल रही हैं। तो कस्टमर भी उसी चैनल को चूज़ करता है जहाँ उसे ज़्यादा सर्विसेज मिलती हैं। तो ये पाँच सर्विस आउटपुट्स हैं जो हमें अलग अलग चैनल से मिलते हैं। इन पांच सर्विस आउटपुट्स के बेसिस पे हम अलग अलग चैनल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भी कोई चैनल है जिसमें अलग अलग आपको लोट के साइजेस मिलते हैं, अलग आपका डिलीवरी और वेटिंग टाइम होता है, प्रोडक्ट की वैरायटी अलग मिलती है, कन्वीनियंस आपको मिलता है, या फिर आपको सर्विसेज मिलती हैं। प्रोवाइडिंग मोर सर्विस आउटपुट्स ऑल्सो मीन्स इंक्रीजिंग द चैनल कॉस्ट एंड रेजिंग द प्राइजेज। और अगर हम बात करें कि अगर हम बहुत सारे सर्विस आउटपुट्स देते हैं, मान लो एक मार्केटिंग चैनल ऐसा है